वोटर कार्ड कितने दिनों के बाद बन के आपके घर पे आ जाता है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आप फॉर्म 6 भरें न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए या फिर फॉर्म 8 भरें वोटर कार्ड में करेक्शन करने के लिए तो कितने दिनों के बाद बाय पोस्ट आपके घर पे आपका जो ओरिजिनल पीवीसी कार्ड है वो आएगा, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। 6 सितंबर 2023 को मैंने वोटर कार्ड का फॉर्म 8 यहाँ पे भरा है, आप यहाँ पे देखते हैं। और फाइनली यहाँ पे 13 सितंबर 2023 को ये एक्सेप्ट भी हो चुका है और यहाँ पे डिलीवर्ड देखते हैं, डिलीवर्ड भी हो चुका है। तो यहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है क्लिक हेयर टू ट्रैक, यानी इस पर क्लिक करेंगे और इसको ट्रैक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ट्रैक करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 19/12 यानी 19 दिसंबर 2023 को ये यहाँ पे डिलीवर्ड भी हो चुका है। तो आप जो फॉर्म 6 या फिर फॉर्म 8 भरे हैं उसको आप कैसे चेक करेंगे कि आपका वोटर कार्ड डिलीवर्ड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और डिलीवर्ड हुआ है तो कब हुआ है, ताकि आप पोस्टमैन से कॉन्टेक्ट करके अपना जो ओरिजिनल पीवीसी कार्ड है वो ले सकते हैं। तो कैसे ये मैंने ट्रैक किया उसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे और आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। गूगल के सर्च बार में आएंगे, टाइप करेंगे NVSP, आपको यहाँ पे सर्च करना है, पहला वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं क्लिक, यार आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जो फॉर्म 6 या फिर फॉर्म 8 आप भरे होंगे तो आपने तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा साइन अप करके, तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। इस पर आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर दे के आप रजिस्टर्ड किए थे वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे और रिक्वेस्ट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके जो भी मोबाइल नंबर होंगे उस पर OTP जाएगा। OTP को डाल के आप वहाँ पे लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके जो ID का नाम होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पे रेफरेंस आईडी नंबर आपको डालने के लिए बोला जाता है और जिस स्टेट से आप वोटर कार्ड अप्लाई किए थे वो स्टेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट का ऑर्डर मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको एक एरो नीचे की साइड मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आता है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा था 6 सितंबर 2023 को मैंने फॉर्म 8 सबमिट किया था, जिसको मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और यहाँ पर देखते हैं कि 13 सितंबर 2023 को ये एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे डिलीवर्ड कब हुआ, तो यहाँ पे 9वां महीना में यहाँ पे अप्लाई हुआ था फॉर्म 8। तो यहाँ फॉर्म 6 अप्लाई कीजिए या फिर फॉर्म 8 अप्लाई कीजिए, दोनों का एक्सेप्ट होने का टाइम होता है 15 दिनों के अंदर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। और जो आपका डिलीवर्ड होने का बात होता है वो आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया गया जिससे ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू ट्रैक का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं शो कर रहा होगा तो आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 6 तारीख 9वां महीना, और यहाँ पर मैं आपको दिखा था जो 12वां महीना में ये डिलीवर्ड हुआ है, ठीक है। तो 3 महीने के बाद आप चेक कीजिए, जब आप अप्लाई किए हैं, चाहे आप फॉर्म 6 भरे हैं या फिर फॉर्म 8 भरे हैं, तो 3 महीने नहीं तो 4 महीने के बाद आप वहाँ पे स्टेटस को चेक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीवर्ड का ऑप्शन शो करेगा, और डिलीवर्ड के ऑप्शन का जब शो करने लगेंगे यहाँ पे सही टिक लग जाएगा, तो आपको यहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलेगा जिससे आप ट्रैक करेंगे। इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे क्लिक हेयर टू ट्रैक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो भी आपका ट्रैकिंग आईडी नंबर था उसको यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। उसको यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है जिसको आपको प्लस में आना है, ठीक है। अभी प्लस में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे देखते हैं अभी भी नहीं आ रहा। जब तक यहाँ पे प्लस वाला यहाँ पे नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ पे चेंज करते रहना, ठीक है। तो प्लस वाला यहाँ पे आ चुका है, चलिए 7+1 8 होता है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। कभी कभी ट्रैक होने में लेट भी लगता है, तो आपको उतना इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं ये ट्रैक हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप यहां पे देखते हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहां पे 6 सितंबर को अप्लाई हुआ था, 6 सितंबर आप यहां पे देखते हैं 6 तारीख 9वां महीना,
और फाइनली यहाँ पे देखते हैं डिलीवर्ड कब हुआ, वो भी आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर डेट दिया गया 19/12/2023 को, यानी 6 सितंबर 6/9/9/3/12 तीन महीने से भी ज़्यादा यहाँ पे लग चुका है। तो आपको तभी स्टेटस चेक करना है जब आपका अप्लाई किए हुए, चाहे आप फॉर्म 6 अप्लाई किए हैं या फॉर्म 8 अप्लाई किए हैं, वो आपको 4 महीने के बाद स्टेटस चेक करेंगे। वहाँ पे आपको डिलीवर्ड शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ पे ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम लिख देगा, आप यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे ईटीएम डिलीवर्ड शो कर रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे ईटीएम डिलीवर्ड नहीं शो कर रहा है, तब तक आप यहाँ पे वेट करेंगे और 10-15 दिन के बाद आप लगातार यहाँ पे ट्रैक करते रहेंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम शो करेगा, तो आप समझ जाइए आपके पोस्टमैन के पास आपका जो ओरिजिनल वोटर कार्ड है वो आ चुका है। तो आप पोस्टमैन से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, या फिर आपको पोस्टमैन आता है तो वो आपको घर पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, वोटर कार्ड के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं, तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और आप मेरे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आइए, उस पर आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो आपको वोटर यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा वोटर कार्ड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। और वोटर कार्ड के रिगार्डिंग मैंने ढेर सारे वीडियोज बनाए हैं, आप यहाँ पे देखते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। जो भी आपको नया वोटर कार्ड अप्लाई करना है या फिर वोटर कार्ड में सुधार करना है, उसका मतदान के अंदर कैसे बदलेंगे वोटर कार्ड में, मैंने लाइफ प्रूफ बदल के आपको दिखाया है, ठीक है, उस वीडियो के अंदर, तो जाके देख लीजिए। जो भी वोटर कार्ड के रिगार्डिंग आपको समस्या होती है, तमाम आपको यहाँ पे सलूशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल जवाब करते रहते हैं, तो मैं वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई देता रहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको वोटर कार्ड कितने दिनों में आपके घर पे आ जाता है, आप वहाँ पे देख चुके हैं। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।